हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा के ट्रीटमेंट के बारे में एक्यूप्रेशर और रेकी की हेल्प से। हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। एक्यूप्रेशर के अनुसार 7 तरह के अस्थमा होते हैं, जिसमें से हम 6 तरह के डिस्कस कर चुके हैं अपनी पहली 2 वीडियोज में। आज हम 7वीं तरह का अस्थमा डिस्कस करेंगे, और जो हम नेक्स्ट बात करेंगे, अगर किसी पर्सन को अस्थमा का अटैक आ गया है तब हम उसको कैसे किस एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट की हेल्प से हैंडल करेंगे, एक हम वो भी डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे एलर्जिक अस्थमा के बारे में। जिन लोगों को एलर्जिक अस्थमा होता है उन्हें बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, सांस फूलता है। ये प्रॉब्लम उन्हें सीजन चेंज पर या किसी एलर्जी की वजह से होती है, और उन्हें स्नोफीलिया की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक्यूप्रेशर में एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है। पॉइंट का नाम है AD2। ये डॉक्टर वॉल का पॉइंट है। ये हमें मिलेगा हमारी मिडल फिंगर पर, टुवार्ड्स रिंग फिंगर। ये देखिए, ये जो हमारी बोन है इसके बिल्कुल बेस में मैंने ब्लू कलर लगा दिया है। यहाँ पर आपको थंब और इंडेक्स फिंगर की हेल्प से इस तरह से प्रेशर देना है, और यहाँ आपको प्योर मैग्नेट का वाइट वाला पार्ट स्किन पर टच करा देना है। ये ट्रीटमेंट हमें दोनों हाथों में लगाना है, लेफ्ट में भी एंड राइट में भी। जब हम इस ट्रीटमेंट को रेगुलर यूज करेंगे तो एलर्जिक अस्थमा की प्रॉब्लम धीरे धीरे कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। एंड फाइनली हम बात करेंगे कि अगर किसी पर्सन को कोई अस्थमा का अटैक आ रहा है, उसका सांस फूल रहा है, सांस घुट रहा है, बैठना और लेटना दोनों ही उसके लिए बहुत मुश्किल हो गए हैं, तो यहाँ पर हमें जिस पॉइंट पर काम करना है उस पॉइंट का नाम है LU2, लंग मरीडियन का सेकेंड पॉइंट। ये जो हमारी मरीडियन है इंडेक्स फिंगर पर इस साइड जाती होती है टुवार्ड्स थंब, राइट। तो जहाँ हमारा ये बेस वाला जॉइंट है उससे ज़रा सा नीचे हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट पर हमें सॉफ्ट और डीप प्रेशर देना है 2 से 3 बार प्रोब की हेल्प से, और यहाँ हम ब्योल मैग्नेट का वाइट वाला पार्ट जो है वो स्किन पर टच कराएंगे। पॉइंट दोनों हाथों में मिलेगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी। जिस पर्सन को भी ये सिम्टम आ रहे हैं आप उसको उसी समय लगा दीजिए, धीरे धीरे उसकी ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई होनी शुरू हो जाएगी। तो पॉइंट हमें लेफ्ट और राइट दोनों हाथों में मिलेगा। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रेकी भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जो लोग रेकी जानते हैं वो अपने थ्रोट चक्रा और अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कीजिए अपने इस तरह के अस्थमा को हैंडल करने के लिए। जो लोग रेकी नहीं जानते वो भी अब उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये अरोमा कैंडल्स बनाई हैं जिन्हें मैंने खुद रेकी से चार्ज किया है। तो उन्हें थ्रोट और हार्ट चक्रा की कैंडल को 2 घंटे अपने घर में लिट करना होगा तो उनकी ये प्रॉब्लम में उन्हें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और साथ में जब भी हम इन कैंडल्स को यूज़ करते हैं तो हमें अपनी प्रेयर साथ साथ बोलनी होती है, जिन्हें हम एफर्मेशंस भी कहते हैं, कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है, परफेक्टली हमें उसको बोलना है। अगर आप इन्हें ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। और जो मैंने आपको मैग्नेट से ट्रीटमेंट बताए हैं, अगर आपके पास ये मैग्नेट्स नहीं हैं तो आप इन्हें भी हमारी वेबसाइट पर जाके ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप एक्यूप्रेशर सीखना चाहते हैं, अपने डॉक्टर खुद बनना चाहते हैं, तो मैंने एक बेसिक एक्यूप्रेशर कोर्स बनाया है। उसको सीखने के बाद पहली चीज़ बहुत आसान है, और उसको सीखने के बाद आप अपनी रोज़ लाइफ में होने वाली 100 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम को खुद हैंडल कर पाएंगे। ये भी आप हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट divinecareofficial.com के नाम से है। तो अस्थमा जितनी भी तरह के होते हैं उनके स्पेसिफिक सिम्टम के साथ बहुत प्रिसाइज वे में मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिए हैं। सारे ही सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट हैं। आप अपने सिम्टम्स पर ध्यान कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट को लगाइए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि अस्थमा की प्रॉब्लम डे बाई डे बढ़ती जा रही है और वो पर्सन पूरी लाइफ सफ़र करता रहता है अपनी इस प्रॉब्लम से। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी हैं तो आप खुद इन्हें यूज़ कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। हर वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, तो आप वहाँ जाकर अपनी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।